जयपुर में एक युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया है। एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया था जिसमें उसकी मौत हो गई और इस घटना के बाद हंगामा हो गया है। इकबाल नाम के युवक की मौत के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। वॉल्ड सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्ड सिटी के अंदर नागरिकों का पुलिस पे जबरदस्त भरोसा है और आपस में समन्वय है। पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं। इनके जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं और जो भी मांग होगी उसमें जो भी वाजिब मांग होगी उसको पूरा किया जाएगा। एक घंटे तक स्थिति यहाँ पर काफी कई लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो बात हमारे सामने आएगी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। क्या संख्या है, कितने लोग राउंड अप किए? लगभग एक दर्जन। एक घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण रही या पुलिस को भी जो है भागना पड़ा यहाँ पर? नहीं, स्थिति कतई तनावपूर्ण नहीं है। जब आक्रोशित होकर के लोग सड़कों पे आते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत जरूर करती है और पुलिस को रहना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई राहुल जी हमें पत्थर मारे गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बातचीत हो रही है और यहाँ पे मैं खुद ही लगातार शुरू से हूँ। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। तो प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि हालात पूरी तरह सामान्य हैं, लेकिन इस युवक की हत्या के बाद वहां जम करके प्रदर्शन हुआ है। व्यापारी भी सड़क पर उतरे हैं। हालांकि काफी तनाव वहां पर देखा जा रहा है। प्रशासन की टीम अब काफी एक्शन में है। 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इस मामले में प्रशासन की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। हत्या के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई और इस वजह से काफी देर तक तनाव रहा। जयपुर में आक्रोश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद तनाव का माहौल है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। युवक की पिटाई का एक वीडियो सामने आया। बीच सड़क पर पीट पीट कर हत्या की कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। प्रशासन की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। तो जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इकबाल नाम के युवक की हत्या की गई और इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। बाजार में दुकानों को बंद किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने हालांकि हालात काबू में होने का दावा किया है। इस बीच सरकार की ओर से मुआवजे का मरहम लगाया गया है। 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन आक्रोशित भीड़ सड़कों पर नारेबाजी करती हुई उतर गई। News.